एक नंबर वो देखो पूरा ऐसा है ना सॉफ्ट बना होता है, क्योंकि यहाँ का रिसर्च जो मकान है ना वो वैसे बने होते हैं, मतलब इस टाइप से तो बर्फ़ गिर जाती है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये पूरी फ्लेट बनी हुई है, तो इसके ऊपर जो बर्फ़ जमती है उसको हटानी पड़ती है। क्या खिला रहा है, किसे खिला रहा है, किसने खिलाया, थैंक यू इसके लिए। इधर चलती है पूरे बर्फ की, तो उधर वाले मनुष्य काम कर रहे हैं। अभी एक के मॉनेस्ट्री में आए हम, ऊपर जाने का रास्ता यहीं से, बाकी गाड़ी की तो लंका लग चुकी है, टूट गया शायद उधर का वो, देखते जा पाता नहीं जा पाता। ये देखो गाइस, बहुत खतरनाक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो आइस है ना भाई, नहीं स्नो है भाई साहब, ये वैसे तो स्नो और आइस में ना मैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ, मैं बहुत प्यारी है, इसको से हवा में उछालेंगे ना 7 करोड़ देखेंगे, कुछ भी नहीं दिखा भाई। अरे माँ की आंख मत करे, चलो ये देखो बर्फ सारी पिंगल पिंगल नहीं गिर रही है, धूप की वजह से। हमारे अलावा कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो चूती ही है जो सुबह से उठ के आ गए एडवेंचर करने के लिए, एडवेंचर में ऐसा मिला भाई साहब, जहाँ जाना था वो तो जा ही नहीं पाए, मेरा एक सपना था वो जो ब्रिज के ऊपर जो वीडियो वगैरह शूट करवाते ना, वो जो क्या इनके वो फ्लैग वगैरह के साथ में हाथ के साथ में, तो मेरा था कि सबसे पहले ना मैं पहला वीडियो वहीं शूट करवाऊंगा, हाँ लेकिन वो तो सपना अधूरा रह गया, अब वो कभी अगली बार पूरा होगा। चलेंगे ना अभी शाम में, अभी फिर से मैं नहीं जा रहा हूँ, शाम तक होगी भाई, मेरे आज घर भी निकलना है, तो वही ये देखो बर्फ गिर रही ऊपर से, चलते हैं आराम आराम से, क्योंकि ये फिसलन वाला रास्ता है, देखो ये बर्फ है पूरी, ये तो बर्फ में चलते हैं, काम करते हैं ये, ऑक्सीजन की कमी भाई, यहाँ यार सांस फूलती है ना, नीचे से आ रहा है पूरा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, किसी को पता हो तो बताना मुझे क्या लिखा हुआ है। हाँ बहुत बेकार हालत है, आ जाओ सर। अच्छा ये इसको से घुमाते हैं क्या, एक नंबर। तो आप यहाँ पे जब भी आइस होती है तो आप आते साफ करने के लिए, इसको पूरा साफ करना पड़ता है। अभी इन लोगों साथ में हमने फोटो शूट किया है एक, और अभी ऊपर जा रहे हैं, ये पूरा साफ करते हैं यहाँ पे जो भी आइस आती है ना, ये बोल रहे हैं थोड़ा आराम से चलना नहीं तो गिर जाओगे भैया आप, और सही दिए। ये पूरा मॉनेस्ट्री का इन्होंने साफ किया अभी भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। आकर्ष आ जा बेटा, नेक्स्ट लेवल भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। हम ना अभी वहां से पूरा वैसे होते हुए, पूरा उधर से होते हुए आगे से फिर आए हैं, और हम ऊपर तक भी गए थे लेकिन ऊपर रास्ता बंद था तो हम चीचम ब्रिज नहीं जा पाए, अभी देखा होगा आपने वीडियोस में, बाकी ये सारा यहाँ का माहौल है।
और नीचे हमारे बिस्ट खड़ी हुई है वहाँ पे। कुछ भी बोलो, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब जो लोकल है ना यहाँ के, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो संभालते हैं। बाकी अभी हम मॉनेस्ट्री के ऊपर हैं एक, और यहाँ से प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे ना पूरा आइस है, ये पूरा आइस है, ये देख रहे हो फिसलना ही है इस पे। तो वो देखो अभी उधर का साफ कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो देखो पूरा ऐसा है ना, साफ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो मकान है ना वो वैसे बने होते हैं, मतलब इस टाइप से, तो बर्फ़ गिर जाती है, लेकिन ये जो मोनेस्ट्री है ये पूरी फ्लैट बनी हुई है, तो इसके ऊपर जो बर्फ़ जमती है उसको हटानी पड़ती है। सोलर पैनल इन्होंने, इन लोगों ने साफ़ किया है। नीचे भैया साफ कर रहे हैं, वहाँ से एक भैया उधर साफ कर रहे हैं, एक भैया उधर साफ कर रहे हैं। चलता है बाकी, क्या खिला रहे हैं? बिस्किट खिला रहे हैं। किसने खिलाया? अच्छा उन्होंने, थैंक यू इसके लिए। इनकी सफाई इधर चल रही है पूरी बर्फ की, और वो उधर वाली मनुष्य साफ कर रहे हैं। बहुत मजाक मस्ती करते हैं ये लोग, बहुत। अभी मुझे जाने में डर लग रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, पता चले मेरे ऊपर फेंक दे बर्फ को, देख रहे हो ये बह निकल जाए, निकल जाए। हेलो, जुले, चलो सर आराम से चलना, गिर मत जाना। हाँ चलो बाय बाय, आते हैं दोस्तों को लेके हम। हाँ अभी हमको लग रहा है डर कि ऊपर से हमारे ऊपर ये फेंक ना दे। ये देखो भैया रुक जाना, हमारे साथ वाले भाई लोग उड़ गए हैं, उनका फोन आ रहा है कि हमें लेने जाओ, हमें भी तो कुछ घुमा दो, तो चलता है अभी उनको लेने। ये पूरा आइस देखो, अभी जब मैं गया था तब कितना था, अभी पूरा मेल्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि चितम ब्रिज का जो एक ड्रीम है वो आज पूरा हो जाएगा। हमारे आकर्ष भैया आ गए, कल जो आपको घोड़ी चादर दिख रही थी ना, सारी बर्फ पिघल गई है, देखो ये सारी पिघल पिघल के गिर रही है। और अभी हम चुके हैं रेडी। हाँ तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? गाड़ी जाबी गए आया, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, सामान वामन जमाते हैं गाड़ी में, और कहाँ कहाँ घूमना है वो देखना है। रुकना एक मिनट, आयुष ब्रो आ रहा है हमारे सामान लेके, और फिलहाल हमारे व्लॉग की चल रही है अपलोडिंग, 21% ही हुआ है अभी, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे नहीं लगता ये 1.5 घंटे 2 घंटे से पहले अपलोड हो पाएगा, ठीक है, लेकिन जो भी है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, सारा सामान हमने पैक कर लिया है, उसको अच्छे से उड़ाओ। अच्छा वाला चाहिए क्या भैया के पास? रियल वाला है। आप सुबह कहाँ थे? सुबह आया था मैं, मिले नहीं आप, सोए थे? कितने बजे उठते हो? झूठ मत बोलो, मैं 6:30 बजे आया था यहाँ पे। कहाँ रहते हो आप? नीचे उस साइड, क्या बात है। सुबह आए थे तो पूरी बर्फ साफ हो रही थी, और अभी पूरी पिघल चुकी है। इन भाई लोगों को लेने गए थे, सब सोए थे घोड़े बेच के सुबह, तो बाकी बहुत सारी चीज़ तुमको दिखा चुका हूँ मैं, बाकी एक बार फिर से दिखा देता हूँ कुछ कम कम की चीज़ें।
की मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे प्रार्थना होती है सारी, यहाँ पे सब बैठे हुए रहते हैं और फिर प्रेयर करते हैं। सुबह मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाया था, तो अभी दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। यहाँ पे सारा इनका रिचुअल फॉलो करता है, ये पानी भर के रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पे मैंने 8 देखे हैं, कहीं पे मैंने 7 देखे हैं, कहीं पे मैंने 9 देखे, सब अलग अलग है, कहीं पे 7 दिए हैं, कहीं पे 6 दिए हैं। जब ये प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर करने के लिए इसको और के करते हैं, पता नहीं अगर कुछ होगा इनका रूल्स होंगे। यहाँ पे सारे मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, ये बैठ के लोग मेडिटेट करते हैं एकांत में। ये घी रखा हुआ है इनका, उधर आगे भी दिखाता हूँ आपको अभी। वो छोटी छोटी की जगह जाने के लिए ये यहाँ पे भी लोग मेडिटेट करता है। इनका ग्रुप मेडिटेशन का भी एक है रूम, वो भी दिखाता हूँ। ये ग्रुप मेडिटेशन के लिए है इनका बना हुआ, वेंटिलेशन के लिए जाली है। पूरा ये मठ से बना हुआ है, ऊपर लकड़ी है, नीचे पूरा मठ है, ये दीवारों में चले नजारा दिख रहे हैं आपको। चलो अपन चले, जो भी मैंने आपको मेडिटेशन रूम दिखाया ना, वहाँ भी सारे बहुत बिच्छू ध्यान लगाते हैं। सुबह में एक बार आए थे की मोनेस्ट्री, यस, लेकिन फिर उसके बाद भाई लोगों को बुलावा आया था तो घर इनको लेने गए थे, सोए हुए तो उस टाइम पे। ये एक बार हमने ट्राई कर लिया चिचम बीच का, हमने देखा होगा अभी इससे पहले की क्या हालत थी। अभी पूरी आइस है, पूरी मेल्ट हो चुकी है, जो स्नो से आइस बनी थी वो आइस भी पूरी मेल्ट हो चुकी है, स्नो तो कही गई है, जो ब्लैक आइस जो जम रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अभी जाते हैं ऊपर, और जो मेरा एक ड्रीम था कि पहला जो वीडियो शूट होगा वो ब्रिज वाला, वो वहीं पे होगा, तो चलते हैं वहाँ पे और करते हैं शूट, ठीक है। ये देखो वार चल रही है, यहाँ पे वार चल रही है, वार बोल दो भाई बच्चा, बोल दो भाई गोला बारी में थोड़ा सा राहत दो यार इनको। अबे साले हांदे, गाड़ी चाबी उसी के पास है, उसके पास है ना। और
Bye. Bye. हाँ देख लिया मैंने, 360 में दिख रहा है मेरे को। सब मॉन्क का बाय जुले। हेलो नमस्ते भाई। लोगों याद है सुबह आए थे और इस वाली लोकेशन पे हमने गिव अप कर दिया था क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ था। तो अभी यहाँ से पूरा रोड साफ हो चुका है और हम जा रहे हैं चिचम ब्रिज भाई लोगों के साथ में, इनको भी उठा लाए घर से। बाकी सुबह कैसी हालत थी यार, अभी 4 घंटे पहले क्या हालत थी और अभी क्या हो गई है, मतलब पूरी बर्फ गायब, 4 घंटे में सब कुछ क्लीन एकदम। बाकी माहौल मस्त वाला, अभी चलते हैं आगे, 4 किलोमीटर और साथ यहाँ से चिचम ब्रिज। हाँ भैया मैं ही निकल रहा हूँ और कोई नहीं है। इसके आगे से जब भी कोई पीछे से निकलता है टूटो होने लग जाती है, सीट बेल्ट लगाता है और आगे का आगे। अरे तुम ना क्या प्यारे नजारे हैं भाई साहब। हाँ बहुत प्यारे नजारे हैं, गजब का लैंडस्केप है भाई स्पीति का, तो लाहौल स्पीति और सामने वहां पे भी लोग रह रहे हैं यार, वो देखो लोगों घर दिख रहे बने हुए, गजब गजब। अभी हम जा रहे हैं चिचम ब्रिज, कुछ गाड़ियां आगे से उतर भी रही है और रास्ता हल्का सा खराब है, जो स्नो हुई थी कल वो पूरी गायब हो चुकी है, बस पहाड़ों पे हल्की हल्की बची हुई है, वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। बाकी सामने वाले साइड है वो तो पूरी क्लियर हो चुकी है क्योंकि सीधा सूरज गर्मी देता है उधर, और इधर थोड़ा सा क्या है कि वो शेड आ जाता है पहाड़ का, जिसकी वजह से बच जाती है। अब ये गाड़ी वाले को निकालते हैं धीरे से, उसके बाद बात करते हैं आपसे। फाइनली इस बर्फ ने हमें इजाजत दी और हम आए कहाँ पे, दिख रहा है अच्छे से दिख रहा होगा, ये फीलिंग लेनी थी मुझे लाइफ में एक बार। बहुत गहरा है और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे बताया कि ये इंडिया का सबसे
हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ ब्रिज है एक चीचम ब्रिज। हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं वापस रिटर्न, क्योंकि ऊपर ज़्यादा कुछ इतना एक्सप्लोर करने के लायक है नहीं। अभी थोड़ा सा हमारे ऑफिस के भी काम है, तो वापस टाइम से घर भी पहुँचना है, तो हम रिटर्न हो रहे हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद एक दो दिन में घर पहुँच जाएंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इसको पूरा सा 10-15 दिन का टाइम निकाल के आएंगे और ठीक से एक्सप्लोर करेंगे पूरी स्पीति और लाहौल वैली को। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। लिंगजा बुद्धा स्टैचू, हाँ बर्फ खा रहा है। दारू मिला के खाएंगे उसमें। गजब का माहौल है भाई, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा, सच में नहीं देखा। इधर का पूरा जो सीनरी है वो अलग है, वो देखो, उधर का पूरा अलग है। यहाँ पे स्टैचू है एक, वहाँ पे चल रहे हैं अभी फिलहाल। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है ये। इसी ऊपर एक और विलेज है जहाँ पे लास्ट पोस्ट ऑफिस है इंडिया का, उससे आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके एक एक चिट्ठी भेजते हैं घर। बाकी हमारे भाई लोग फोटो लोग खींचा रहे हैं। लेमन टी यार पीता है, कैसी है? मस्त है, मजा आ गया, फ्रेश करो। ज़्यादा लेमन इतना वो नहीं है, हार्ड लेमन नहीं है, हार्ड लेमन नहीं है। तुम सीधा जा रहे हो? जाओ और क्या, मैं आता हूँ घूम के पूरा। ये भी को दे, पूरा जूम करके कार का बना दूंगा मैं, चलते चलते कैसे आ रही है। ठीक ठीक है, क्या सर आयुष जी? सर आप भी आ जाओ, बाहर सुनाई दे रही, क्या हो रहा है? हम हैं यहाँ पे 14,300 फीट सी लेवल से ऊपर, मतलब आप समझो नजारा नजारा देखिए। कंटेंट नहीं मिल रहा, साला कंटेंट ना लेकर। ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे, सांस फूल रही है, चल रहा है, कोई ज्यादा स्टिप मूवमेंट भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सांस फूल रही है। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं,
हवा चल रही, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी। ये वो पोस्ट ऑफिस कहाँ था भाई, क्या नाम बताया उसका? सिक्किम। अबे हम सिक्किम जा रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घर, एक इंडिया के लास्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट भेजेंगे। बोला नहीं जा रहा भाई, इतनी ठंड लग रही है। टेम्परेचर क्या भाई साहब, माइनस यहाँ देखो तो जरा, माइनस 10 या माइनस 11 है। हो माइनस 10 में हालत खराब हो रही है। चलते हैं, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है वो रही। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, पूरा मठ से बना हुआ है। और अभी हम पहुंच गए कॉमिक, कॉमिक से आगे कुछ भी नहीं है, ये लास्ट विलेज आ जाता है कॉमिक। इसके अलावा ऊपर फिर सारे पहाड़ आ जाते हैं इधर। मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है ये विलेज। इससे हाईएस्ट पॉइंट पे कैसा विलेज है क्या देखना जरा। कॉमिक हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड या दुनिया का, 15,050 फीट। कितना है? 15,050 फीट। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं कॉमिक, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक गांव है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जहां से मतलब मोटर पर गाड़ी वगैरह जो भी चलती है ना, उससे तुम मतलब ऐसे पैदल वगैरह तो हो सकता है ऊपर कोई एक दो विलेज हो जहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती है, लेकिन गाड़ी से ये आखिरी गांव है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज कॉमिक, जहाँ पर आप बाय व्हीकल आ सकते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है, रोड ख़त्म है यहाँ पे। और यहाँ पे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, वो सामने भी है, और हमारा तिरंगा दिख रहा है, दिख रहा होगा। इसके है ना पूरे कैमरे ख़राब हो गए चारों साइड के, तो कैमरे साफ कर लेते हैं और यहाँ पे एक मनुष्य वो देख लेते हैं और फिर चलते हैं। देख रहे हो यहाँ पे पूरा एक विलेज है, लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं भाई, इतनी हाइट पे कैसे सरवाइव कर पाते होंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है तो पानी की, दूसरा ऑक्सीजन की, और दूसरा वेदर की। वेदर कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, गजब का स्ट्रगल है इन लोगों का भी। बाकी शायद मोनेस्ट्री बंद है अंदर से, जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है हमें। छे करो चलो। What
भाई लोग हम निकल चुके हैं कॉमिक से और अब सीधा निकल रहे हैं गाजा, गाजा से शिमला, शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से इंदौर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आज 30 तारीख हो गई है, हमें एक या दो तक घर पहुंचना था लेकिन एक दिन डिले हो गया, कोई बात नहीं, होता है जब भी ऐसे ट्रिप होता है तो एक दो दिन पता नहीं चलता है। तो वही है, फालतू की चीज़ें कुछ दिखाऊंगा नहीं मैं, कुछ काम की अगर चीज़ें रहेगी तो दिखाएंगे, क्योंकि वो जो नज़ारे हैं, ये नज़ारे मैं कितनी बार दिखाऊंगा आपको, ये एक ही नज़ारे अभी देख देख के बोर पोस्ट ऑफिस बोर हो गए होंगे। तो वही है, 7 kilometers turn left onto Lunch College Road। हाँ ठीक है, जो भी है तो चलते हैं। और अगर रास्ते में अगर कुछ बढ़िया मिला जो आपको दिखाना चाहिए ऐसा लगा मुझे तो मैं दिखाऊंगा आपको बकायदा, ठीक है। तो अभी रास्ते थोड़े से खतरनाक है तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और रास्ता कवर करते हैं। और अगर ये हमारे भाई लोगों का अगर मन हुआ आइस से खेलने का, क्योंकि बीच बीच में कुछ आइस बहुत बढ़िया वाली थी तो आइस से खेलेंगे अभी सही, ठीक है। ये हमसे नीचे एक कौन सा विलेज आ रही है, हिक्किम, ठीक है, एक हिक्किम विलेज है। लेकिन वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और ख़राब है, ठीक है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस देखने के लिए इतने दूर जाना 3-3.5 किलोमीटर, अभी आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा लेकिन कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास है। और ऑफिस 3 किलोमीटर आना सिर्फ पोस्ट ऑफिस देखने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मतलब नहीं है। और बाकी रहे विलेज वगैरह जो भी है तो मैं स्पीति एक बार फिर से एक्सप्लोर करने आऊँगा इन फ्यूचर, एक या दो साल में, तो फिर इसको अच्छे से एक महीना का टाइम निकालेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अभी तो निकलते हैं, इसकी हर तरीके से हर तरीके से जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे हमने किए और अभी तक तो ये हर एक्सपेरिमेंट में खरी उतरी है। क्यों आयुष जी, तो टॉप नॉच, टॉप नॉच, एक एक फोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और निकलता है फिर। बहुत शानदार वाले नजारे, चलते हैं अभी। ये बस एक लास्ट दिखाने का आपको मन किया कि आखिरी बार इनको देख लें अच्छे से जी भर के, पता नहीं फिर कब आ पाएंगे इधर।